आईपीएल 2022 का 30वां मुकाबला राजस्थान रॉयल और कोलकाता नाइट राइडर के बीच मुंबई के ब्रेब्रॉन स्टेडियम में खेला गया, जहां आरआर ने इस मैच को 7 रन से अपने नाम कर लिया। इस मैच में कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल ने जॉस बटलर की शतकीय पारी के दम पर 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 217 रन बनाए और केकेआर को जीत के लिए 218 रनों का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में केकेआर की टीम ने आरोन फिंच और श्रेयस अय्यर की अर्धशतकीय पारी के दम पर 20वें ओवर की चौथी गेंद पर 210 रन बनाकर टीम ऑल आउट हो जाती है। राजस्थान से मिली करारी हार के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर बेहद ही निराश नजर आए और मैच के बाद उन्होंने जो बयान दिया उसे सुनकर या देखकर हर कोई हैरान रह गया। आखिर किन खिलाड़ी को जमकर फटकार लगाई और टीम से कहां चूक हुई, इस बारे में श्रेयस अय्यर ने क्या कहा इस बड़ी हार के बाद, आइए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सब कुछ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है श्रेयस अय्यर की फैन, केकेआर की फैन, तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। खैर, इस मैच में केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने बल्ले से दमदार अर्धशतकीय पारी खेली। उनके बल्ले से यह कप्तानी पारी उस समय निकली जब केकेआर मुश्किल में थी और टीम ने 100 रन भी नहीं बने थे। कप्तान की अच्छी पारी के बावजूद भी टीम ये मुकाबला नहीं जीत पाती है और एक बड़ी हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन हार के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर का गुस्सा तो फूटा, वो तो मैं आपको बताएंगे श्रेयस अय्यर का क्या बयान आया है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी नजर पॉइंट टेबल पर भी डाल देते हैं, जहां केकेआर की अब पॉइंट टेबल में मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती है और इस जीत के बाद किस तरह से पॉइंट टेबल में बदलाव हुए हैं। पहले बात करते हैं राजस्थान रॉयल की। जी हां, राजस्थान रॉयल 6 में से 4 मुकाबले अब जीत चुकी है और केकेआर के खिलाफ ये मुकाबला जीतकर वो पॉइंट टेबल में दूसरे पायदान पर है, जहां उन्होंने 4 मुकाबले जीतकर 8 पॉइंट के साथ में वो काफी अच्छी नेट रन रेट होने की वजह से दूसरे पायदान पर बरकरार है। वहीं बात करेंगे हम कोलकाता नाइट राइडर की, तो ये टीम 6वें पायदान पर है। जी हां, 7 में से 3 मुकाबले इन्होंने जीते हैं और 4 मुकाबले इन्होंने हारे हैं। 6 पॉइंट इनके पास भी है और कहीं न कहीं अब कोलकाता नाइट राइडर को अगर यहां से प्लेऑफ में जगह बनानी है तो कुछ ऐसे समीकरण बनाने होंगे। किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए लीग स्टेज के अंदर 14 मुकाबले खेलने होते हैं। कोलकाता नाइट राइडर ने हाफ यानी कि आधे मुकाबले तो खेल लिए हैं, जहां उन्होंने 3 मुकाबले जीते हैं और 6 पॉइंट उनके पास में है। बचे हुए 7 मुकाबलों में से 5 मुकाबले यानी कि 10 पॉइंट हर हाल में जीतने होंगे और जब जाकर उनके पास 16 पॉइंट होंगे और उससे वो प्लेऑफ में जगह बना पाएंगी। अदरवाइज ऐसा नहीं कर पाती है तो ये टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाती है। और ऐसा ही हाल कुछ चेन्नई और मुंबई का भी है, जो 6 में से 1 मुकाबला चेन्नई जीती और मुंबई 6 के 6 हार चुकी है। गुजरात टाइटंस 6 में से 5 मुकाबले जीतकर पॉइंट टेबल में 10 पॉइंट के साथ में पहले पायदान पर है और इस टीम का प्लेऑफ में जाना लगभग यहीं से तय हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं कोलकाता नाइट राइडर की हालात अब धीरे धीरे खराब नजर होती हुई आती है। लेकिन इस बड़ी हार के बाद क्या कहा श्रेयस अय्यर ने, आइए जानते हैं, बताते हैं आपको। करारी हार के बाद केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बताया कि उनकी टीम को जो शुरुआत मिली उसके मुताबिक केकेआर अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी। मुझे लगता है कि हमने शुरू से ही रन रेट के हिसाब से चल रहे थे। फिंच ने बढ़िया बल्लेबाजी की लेकिन उनके आउट होने के बाद हम धीमे होते चले गए। ये मैच हमारे हाथ से फिसलता चला गया। हमारी योजना अंत तक बल्लेबाजी करने की थी। प्लान ये था कि दूसरी छोर से बल्लेबाज जोखिम उठाएगा लेकिन मैं यूजी के खिलाफ दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो गया। बटलर की पारी पर बात करते हुए श्रेयस अय्यर ने कहा, वो एक क्लासिक बल्लेबाज है, वह गेंद को चारों दिशाओं में मारते हैं। उन्होंने बढ़िया बल्लेबाजी की, उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। वहीं ओस को लेकर उन्होंने कहा, आज रात ओस की कोई बड़ी भूमिका नहीं थी, यह एक अच्छी पिच थी और ब्रेब्रॉन हमारी टीम के लिए अच्छा मैदान साबित नहीं हुआ है। जब आप इतने बड़े स्कोर का पीछा करते हैं तो आप पर दबाव होता है और मुझे तो दबाव पसंद है। अंत में अपनी पारी को लेकर कहा, मैं सिर्फ एक उदाहरण स्थापित करना चाहता था, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उन्हें कितना भी अंक मिले। मैं पहली गेंद से आक्रामक बल्लेबाजी करना चाहता था, कितना भी बड़ा लक्ष्य क्यों ना हो, मुझे विश्वास था कि अगर वे इस तरह प्राप्त कर सकते हैं तो मैं भी इसे प्राप्त कर सकता हूं। मैं ऐसा सोच रहा था। तो कहीं ना कहीं यहां पर श्रेयस अय्यर का मानना है कि आरोन फिंच के आउट होने के बाद लगातार विकेट गिरना और धीमे रन रेट होना ही हमारी हार की बड़ी वजह रही है। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।